एक ऐसा मटेरियल जिसकी कनेक्टिविटी और रेजिस्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेमीकंडक्टर का। सेमीकंडक्टर का आज के टाइम में हर जगह हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर इसका हम यूज़ करते हैं। इस वीडियो में हम सेमीकंडक्टर के अंदर एनर्जी बैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली देखो होता क्या है, जो सेमीकंडक्टर होता है इसके अंदर जो एनर्जी बैंड्स की जो फॉर्मेशन होती है, जो एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो दो बेसिस पे हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक तो होता है सेमीकंडक्टर के अंदर डोपिंग करने के बाद उसके अंदर एनर्जी लेवल्स थोड़े चेंज हो जाते हैं। दूसरा, सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है, आप कोई भी सेमीकंडक्टर देखेंगे, कोई सेमीकंडक्टर जो क्रिस्टल होता है उसमें इंट्रा एटॉमिक स्पेसिंग की वजह से भी उसके अंदर एनर्जी लेवल्स में चेंजेस आता है। तो वो हम फिर किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें जो डोपिंग के बाद जो एनर्जी लेवल्स में जो चेंज आता है उसको इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो सेमीकंडक्टर है, हमारे लिए समझना जरूरी है कि जो सेमीकंडक्टर होता है वो दो तरह का है। एक सेमीकंडक्टर हम पढ़ते हैं जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है, प्योर सेमीकंडक्टर, और दूसरा होता है इम्प्योर, जिसमें मिलावट होती है। दो तरह का सेमीकंडक्टर है, एक प्योर है दूसरा इम्प्योर है। प्योर को हम इंट्रिंसिक बोल देते हैं और इम्प्योर को हम एक्सट्रिंसिक भी बोल सकते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब देखिए, जो प्योर सेमीकंडक्टर है इसके अंदर कोई मिलावट नहीं होगी, ये प्योर क्रिस्टल होगा। तो ये सिलिकॉन का या जर्मेनियम का आपको मिलेगा, सिलिकॉन या जर्मेनियम, ये एग्जांपल है सेमीकंडक्टर के, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो सिलिकॉन या जर्मेनियम का हो सकता है, बिल्कुल प्योर होगा ये सेमीकंडक्टर। इम्प्योर जो होता है ये फर्दर दो पार्ट में इसको आप डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डोपिंग, कि आपने जो डोपेंट उसके अंदर डाला है, जो आपने इम्प्योरिटी ऐड की है, वो इम्प्योरिटी किस तरह की है। अगर वो इम्प्योरिटी पेंटावलेंट है तो आपका सेमीकंडक्टर बन जाएगा एन टाइप, सेमीकंडक्टर एक एन टाइप होगा। दूसरी तरफ सेमीकंडक्टर आपका पी टाइप भी हो सकता है, और ये कब होगा, जब आप इम्प्योरिटीज के अंदर ट्राइवेलेंट ऐड करेंगे, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी अगर आप ऐड कर देंगे तो आपका सेमीकंडक्टर पी टाइप बन जाएगा। अगर आप पेंटावेलेंट पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो आपका जो सेमीकंडक्टर है वो एन टाइप बन जाएगा। पेंटावेलेंट मीन्स जिसके वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, ट्राइवेलेंट जिसके वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे, और जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है ये आपको पता ही है इसके वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो अभी एनर्जी बैंड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे तीन एनर्जी बैंड यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, पहला प्योर सेमीकंडक्टर के लिए, दूसरा एन टाइप के लिए, और तीसरा पी टाइप के लिए। तो पहले मैं क्या करता हूँ, एनर्जी बैंड्स यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि ये एनर्जी लेवल्स इस तरह से क्यों आए हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले प्योर सेमीकंडक्टर के लिए देखिए, प्योर सेमीकंडक्टर जो होगा, प्योर के लिए तो आपको जो एनर्जी बैंड जो डायग्राम है वो सिंपली आप इस तरह से बनाएंगे। आपने सुना होगा एक वैलेंस बैंड होता है और एक कंडक्शन बैंड होता है। कंडक्शन बैंड हायर एनर्जी लेवल पे, ये कंडक्शन बैंड हो गया, ये आपका वैलेंस बैंड है, और इनके बीच में ये जो एनर्जी का गैप आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं एनर्जी बैंड गैप। और सेमीकंडक्टर के लिए ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम रहता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए अगर आप देखेंगे तो सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, और जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास ये एनर्जी बैंड गैप आपको दिखाई देगा। तो दिस इज फॉर प्योर सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट,
conduction band. Here this is, sorry, this is valence band, this is conduction band. और यहाँ पर देखिए ये प्योर सेमीकंडक्टर के लिए मैंने ये बनाया है, ये दूसरा जो है ये है एन टाइप के लिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए. एन टाइप सेमीकंडक्टर में देखो आपको वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड तो देखो इसके अंदर भी है, लेकिन यहाँ पे एक नया एक और लेवल आपको दिखाई देगा यहाँ पर, जिसको हम डोनर लेवल बोलते हैं. डोनर लेवल एक नया लेवल आपको दिख रहा है, और इनके बीच में डोनर लेवल और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी बैंड गैप होता है ये 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास बहुत ही कम होता है. इतनी एनर्जी तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन्स को मिल सकती है और वो कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे एंड दे विल पार्टिसिपेट इन कंडक्टिविटी. नेक्स्ट ये आपका वैलेंस बैंड, तो वैलेंस बैंड हमेशा ऐसे नीचे ही बनाना है, वैसे वैलेंस बैंड ऐसा नहीं कि यहाँ पर वैलेंस बैंड बन जाएगा और कंडक्शन बैंड नीचे बढ़ेगा. वैलेंस बैंड का मीनिंग है कि एक लेवल है एनर्जी का, ये एनर्जी का लेवल लो है, यहाँ पर एनर्जी हाई है. यानी कि आप देखेंगे ऊपर की तरफ जैसे आप जा रहे हैं ना, आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इसी डायरेक्शन में एनर्जी इंक्रीज हो रही है. अदरवाइज और बैंड का कोई मीनिंग नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक एनर्जी का एक लेवल है वैलेंस बैंड. इसके बाद यहाँ पर आएगा कंडक्शन बैंड. और देखो ये एन टाइप के लिए, ये मैं पी टाइप के लिए बना हुआ यहाँ पे, पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए. और पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पर देखो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड तो ठीक है वही जो प्योर में थे, बट यहाँ पर एक नया लेवल आपको मिलेगा जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे वैलेंस बैंड भी थोड़ा सा ऊपर होता है ये इस तरह से, ये इसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर, एक्सेप्टर लेवल. एक नया एनर्जी का लेवल हमको यहाँ पर दिख रहा है एक्सेप्टर लेवल. तो देखो ये तीन तरह के आपको एनर्जी बैंड डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाए हैं, तो तीनों आपने अच्छे से देख लिए होंगे. ये प्योर के लिए है, ये एन टाइप के लिए है, ये पी टाइप के लिए. अब इन तीनों का हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं. उसको देखने के लिए देखो मैं यहाँ पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर की हेल्प लूंगा. जैसे मान लीजिए प्योर सेमीकंडक्टर है तो सिलिकॉन का हम बना लेते हैं यहाँ पे सिलिकॉन इस तरह से. आपको पता है सिलिकॉन के वैलेंस शेल में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये चार ही कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पर बनाएगा, वो आप देख सकते हैं. और यहाँ पर ये भी बताएंगे कि वैलेंस बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन आएंगे और कंडक्शन बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन जाएंगे. ये प्योर आपको दिख रहा होगा, एक प्योर सेमीकंडक्टर, दिस इज प्योर सेमीकंडक्टर. प्योर सेमीकंडक्टर में कोई मिलावट नहीं होती, बिल्कुल प्योर होता है, इंप्योरिटी नहीं होगी. अब सिलिकॉन का बना है, आप देख सकते हैं सिलिकॉन कितने वैलेंस शेल में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो चार बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड ये फॉर्म कर. जैसे मान लीजिए ये वाला सिलिकॉन आप एटम देखिए, चार इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो एक यहाँ पर बॉन्डिंग में शामिल हो गया, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर बॉन्डिंग में शामिल हो गया, एक यहाँ पर, वो चार के चार बॉन्डेड है. और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखो सिलिकॉन एटम के जो बाहर वाले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन हैं जिनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो बॉन्डिंग में शामिल हैं. अगर इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में शामिल है तो उनकी एनर्जी ओबीसी बात है कम होगी, एनर्जी लो होगी. तो ये जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जो शामिल है वो आपको कहाँ मिलेंगे, कहाँ पाए जाते हैं, वो वैलेंस बैंड में आपको मिलेंगे. तो ये तो हो गया प्योर के लिए. तो सारे सारे देखो सिलिकॉन बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे, तो सिलिकॉन के जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सारे बॉन्डेड हैं, तो सारे सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में मिलेंगे. यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर के लिए वैलेंस बैंड एक तरह से पूरी तरह से फिल्ड मिलेगा आपको, भरा हुआ होगा एट लो टेम्परेचर, जीरो केल्विन, या फिर आप देख सकते हैं नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, बट लो टेम्परेचर पे आप देखेंगे सारे सारे वैलेंस बैंड में आपको मिलेंगे. आप इसको एनर्जी दोगे, थर्मल एनर्जी या फिर फील्ड एनर्जी, किसी तरह की आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे, उससे क्या होगा बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, और बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे फ्री हो जाएगा. इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो अगर वो इतनी एनर्जी गेन कर लेता है तो फिर वो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा. अदरवाइज क्या है कि लो टेम्परेचर पे प्योर सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड पूरी तरह से फिल्ड मिलेगा आपको, और कंडक्शन बैंड पूरी तरह से एम्प्टी होगा, खाली होगा. इसलिए इस प्योर सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है, सिग्मा से जिसको हम लिखते हैं कंडक्टिविटी, वो काफ़ी लो होती है. अब चलते हैं एन टाइप. एन टाइप में भी आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर की हेल्प से एक्सप्लेन करूँगा, या फिर आप यहाँ पर भी देख सकते हो, मैं इसी में एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको. एन टाइप में देखो क्या होगा, एन टाइप कब बनेगा, जब आप प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर डोपिंग करते हो. और प्योर के अंदर डोपिंग आपने कौन से एलिमेंट की करनी है, अगर आपने एन टाइप बनाना है तो आपने डोपिंग करनी पड़ेगी पेंटावेलेंट एलिमेंट की. और पेंटावेलेंट होता है
बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे आर्सेनिक लिख देता हूँ, आर्सेनिक पेंटावेलेंट एलिमेंट है, आपने उसको डोपिंग की, मान लीजिए डोपिंग करने के बाद ये जो सिलिकॉन है यहाँ पर डोपिंग करने के बाद आर्सेनिक आ गया। अब आपको पता है आर्सेनिक जो है इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में शामिल हो गए, 1, 2, 3, 4, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस तरह से आपको दिखाई देगा। अब देखिए, अब बात करेंगे कि यहाँ पर देखो बाकी तो प्योर सेमीकंडक्टर की तरह है, वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है, एक नया लेवल जो आया है वो नया लेवल देखो कौन बनाएगा। तो डोपिंग आप कर रहे हैं आर्सेनिक की कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि आर्सेनिक का एक सिंगल आइटम ही आपने डोप करना है, वैसे डोपिंग बहुत कम होती है, उस डोपिंग का परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है, उसके बावजूद बहुत सारे आइटम्स आपको दिखाई देंगे, हजारों की संख्या में हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक मोल में कितने सारे आइटम्स या मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं। मान लीजिए आर्सेनिक यहाँ पर भी आपने डोपिंग की, तो आर्सेनिक एक यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा, और वहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन उसके पास फ्री। अब चलते हैं आपके डायग्राम की तरफ, देखिए सिलिकॉन या आर्सेनिक जो भी है, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में शामिल है, बॉन्डिंग में शामिल है, बंधे हुए हैं, आप कोई भी एग्जाम्पल देखिए, आप फिजिकली कोई भी, आप सोशली कोई एग्जाम्पल ले सकते, जो इंसान कोई भी पर्सन है और वो बाउंड है, बाउंड स्टेट में है, बंधा हुआ है, उसके ऊपर बहुत सारी रोक टोक है और वो कुछ फ्री नहीं है, उसकी एनर्जी लो है, कुछ कर नहीं सकता, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है, बाउंड है, तो सारे सारे वैलेंस बैंड में आपको मिले, एनर्जी उनकी कम होगी, लो होगी। ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री हैं आपको दिखाई दे रहे, अब देखो ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, ये इलेक्ट्रॉन जो फ्री है ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के साथ नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए सोसाइटी में किसी पर्सन के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा पावर है, वो बाकी से थोड़ा अपने अलग लेवल रखता है, एक एटीट्यूड की फीलिंग उसके अंदर होती है, तो यहाँ पर देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री है, तो ये क्या करेगा, बाकी जो बॉन्ड में शामिल इलेक्ट्रॉन है वो तो बेचारे वैलेंस बैंड में है, ये अपना लेवल अलग बनाएगा, और कहाँ पर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी कहाँ रहेगा, यहाँ पर, एक अपना अलग लेवल बना लिया, और इसकी जो एनर्जी है वो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है उनसे ज़्यादा है, और इतनी ज़्यादा है कि इसको बस थोड़ा सा रूम टेम्परेचर भी मिल जाएगा उस पर भी वो इतनी सारी एनर्जी दे के डायरेक्ट कहाँ पहुँचेंगे, कंडक्शन बैंड में पहुँचेंगे, और कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे, एंड हेंस कंडक्टिविटी ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर इंक्रीज। जी क्लियर। आगे जाते हैं पी टाइप के, देखो पी टाइप के लिए मैं अलग बना लेता हूँ, यहाँ पे जर्मेनियम आप ले सकते हैं, सिलिकॉन जो मर्जी आप लें, जर्मेनियम लेते हैं, जर्मेनियम के बैलेंस शेल में भी 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 ही आपको इस तरह से बॉन्ड यहाँ पे दिखाई देंगे, जर्मेनियम जर्मेनियम इस तरह से 4 बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जर्मेनियम के बैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो आप 4 बॉन्ड यहाँ पे शो कर रहे हैं। अब देखिए पी टाइप अगर आपने बनाना है तो आपने क्या बनाना है, पी टाइप बनाने के लिए तो आपने डोपिंग करनी पड़ेगी, मिलावट करनी पड़ेगी इसमें, डोपिंग आप सभी ने सुना होगा, डोपिंग डोप टेस्ट होता है प्लेयर्स का, एथलीट वगैरह होते हैं मिलावट करते हैं, ड्रग्स वगैरह ले लेते हैं, तो डोपिंग का मीनिंग है कि इसमें मिलावट करनी है। और अगर आपने पी टाइप बनाना है, पी टाइप बनाने के लिए डोपिंग किसकी करोगे, ट्राइवेलेंट एलिमेंट आपने लेके आना पड़ेगा, एग्जाम्पल के तौर पर इंडियम ले लेता हूँ, इंडियम ट्राइवेलेंट है वैलेंस शेल में, इसके इंडियम के वैलेंस शेल में आपको 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, मान लीजिए ये वाला जर्मेनियम है इसको रिप्लेस कर देता हूँ मैं इंडियम की हेल्प से, यहाँ पर जर्मेनियम की जगह इंडियम आ गया। अब देखिए इंडियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन भाई साहब ने यहाँ पर बॉन्डिंग में शेयरिंग में लगा दिया, शामिल हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ पर ले लेते, इधर वाला इलेक्ट्रॉन ये बॉन्डिंग में शामिल हो गया, इधर वाला जो इलेक्ट्रॉन था बॉन्डिंग में शामिल हो गया, लेकिन इस जर्मेनियम के पास इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर नहीं है इसके पास, अगर यहाँ पर नहीं है कोई चीज़, अगर नहीं है वहाँ पर क्या हुआ, एक वैकेंट पोजिशन, खाली जगह, उस खाली जगह को मैं होल से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है, एक होल है, एक वैकेंट पोजिशन है। अब देखिए क्या होगा, अब इसी तरह से मान लीजिए डोपिंग आप कर रहे हो, एक इंडियम यहाँ पर भी आ सकता है इस तरह से, तो यहाँ पर भी देखो 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में शामिल हो गए, और यहाँ पर एक होल आपको यहाँ पर भी दिखाई देगा। अब आते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम की तरफ, एक्सप्लेन करते हैं, देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में शामिल हैं अगेन लो एनर्जी वैलेंस बैंड में आपको दिखेंगे, उसके बाद कंडक्शन बैंड में तो वही जाएंगे जिनकी एनर्जी हाई होगी, रूम टेम्परेचर पर नहीं जाते इलेक्ट्रॉन, वो पूरी तरह से खाली होता है, लेकिन ये जो होल आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, बात करते हैं देखो यहाँ पर, जैसे हमने एन टाइप में बताया जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्डिंग में शामिल है, इंडियम के साथ है, जर्मेनियम कहीं पर भी है, जो बॉन्डिंग में शामिल है
वो आपको वैलेंस बैंड में मिलेंगे। अब ये जो होल आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ये होल और ये बड़ा होल, ये होल जो है ये यहाँ पर कोई बॉन्डिंग में शामिल नहीं है। तो अगेन वही एन टाइप में जो बताया था वही बात आ जाती है कि अगर वो बॉन्डिंग में शामिल नहीं है तो इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ वो रहना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि वो एक तरह से शो करेगा कि मैं बॉन्डिंग में शामिल नहीं हूँ, मैं बंधा हुआ नहीं हूँ, मेरी एनर्जी तुमसे थोड़ी सेपरेट है, मेरा लेवल तुमसे थोड़ा सा सेपरेट है, लेकिन वो इतने भी फ्री नहीं है जितने कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फ्री थे, उनका लेवल तो आपने देखा डोनर लेवल यहाँ पर पहुंचे, तो इनका एक अलग लेवल बनाएंगे ये एक्सेप्टर लेवल, तो यहाँ पर होल्स होंगे इस तरह से, तो ये होल कहाँ पर रहेंगे एक्सेप्टर लेवल में रहेंगे। अब क्या होगा कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी यहाँ वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है आपके, कोई इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ रूम टेम्परेचर पे, जम करके इस होल को फिल कर देगा, तो होल कहाँ बनेगा यहाँ पर बन जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन एनर्जी मिलेगी तो जम करके इस होल को फिल कर देगा, यहाँ पर क्या बनेगा होल क्रिएट हो जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन एनर्जी मिलेगी तो जम करके यहाँ पर इस होल को फिल कर देगा, यहाँ पर क्या बनेगा होल क्रिएट हो जाएगा। आप देखेंगे कि वैलेंस बैंड में बहुत सारे होल क्रिएट हो जाएंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर में, और ये जो होल क्रिएट हुए हैं वैलेंस बैंड के अंदर यही फिर बाद में कनेक्टिविटी का कारण बनते हैं, इनकी वजह से ही पी टाइप की कनेक्टिविटी होती है। तो मेनली अगर देखा जाए तो पी टाइप के अंदर जो करंट होगा होल करंट बहुत ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन करंट से, क्यों होता है क्योंकि पी टाइप के अंदर नंबर ऑफ जो होल्स है या नंबर डेंसिटी की अगर बात कर सकते हैं कि होल की जो नंबर डेंसिटी है वो काफी ज्यादा होती है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इस वजह से मेनली यहाँ पर जो करंट होता है वो होल्स की वजह से ही होता है, और वो होल्स की मूवमेंट कहाँ पर होती है, होल्स की मूवमेंट होती है वैलेंस बैंड के अंदर। याद रखेंगे कभी भी वैलेंस जो होल्स की मूवमेंट है जो पी टाइप की जो कनेक्टिविटी होती है वो होल्स की वजह से होती है, और होल्स कंडक्शन बैंड में नहीं होते, होल्स होते हैं आपके वैलेंस बैंड में, तो वैलेंस बैंड के अंदर जो होल्स की मूवमेंट होती है उनकी वजह से ही पी टाइप सेमीकंडक्टर की कनेक्टिविटी होती है। एन टाइप में कंडक्शन बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी मूवमेंट की वजह से उसकी कनेक्टिविटी होती है, और जो प्योर होता है उसको तो आपको पता ही है उसकी कनेक्टिविटी बहुत लो होती है लो टेम्परेचर पे। तो ये आपने एनर्जी बैंड के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। एक बात और यहाँ पे आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने नेमिंग किए थे, डोनर लेवल आपको दिख रहा होगा, एक मैंने आपको बताया यहाँ पे एक्सेप्टर लेवल आपको दिख रहा है, ये तो ये नाम कैसे पढ़ा इसका डोनर और उसका एक्सेप्टर, डोनर दे दिए, डोनर लेवल ये एन टाइप में आता है, और एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनता है जब प्योर क्रिस्टल के अंदर आप डोपिंग करते हैं डोनर एटम की, आर्सेनिक एक डोनर एटम है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है एक्स्ट्रा है इसके पास, ये डोनेट कर सकता है, तो ये डोनेट कर सकता है, तो इससे नाम पड़ा डोनर लेवल। पी टाइप में सेमीकंडक्टर के अंदर एनर्जी बैंड के अंदर एक नया लेवल आपको दिखाई दे रहा होगा एक्सेप्टर लेवल, इसका नाम एक्सेप्टर क्यों पड़ा क्योंकि पी टाइप सेमीकंडक्टर जब आप बनाते हैं उसमें आप डोपिंग एक ऐसे एलिमेंट की करते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, वहां पर देखो एक होल आपको दिख रहा है एक्सेप्ट कर सकता है, तो इसीलिए इसी से इसका नाम पड़ गया इस लेवल का एक्सेप्टर लेवल। कई बार इसको डोनर टाइप सेमीकंडक्टर भी बोल देते हैं, इसको एक्सेप्टर टाइप सेमीकंडक्टर भी हम बोल देते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट एनर्जी बैंड्स इन सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ डोपिंग। तो फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सेमीकंडक्टर के अंदर जो एनर्जी लेवल्स का जो सेपरेशन होता है या जो मॉडिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ इंटर एटोमिक स्पेसिंग, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के इस